जाति जात जाति इंग्लिश में कहते हैं कास्ट, और उर्दू में इसका कोई भी लफ्ज या कोई भी अल्फाज इसका है नहीं। जाति और जात एक बहुत पुराना शब्द है, सद्ध है, बुद्ध से भी पहले का। कोई चीज़ अगर पैदा होती है या उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, तो उसको कहते हैं कि ये इसकी जाति हो रही है, मतलब जन्म हो रहा है, जाति हो रही है, उत्पन्न हो रही है, बर्थ हो रही है। इस मायने में बुद्ध और बुद्ध के समय, क्योंकि बुद्ध ने अपने जितने भी वचन बोले हैं, जो बातें बताई हैं, उनमें जन्म लेने को जाति से ही बताया गया है। जाति दुखा, जरा दुखा, यानी कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, और भी बहुत सारी बातें उसमें हैं। भारत में जो जाति है उसको इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। ये एक अजीब सी प्रक्रिया है कि जन्म कैसे किसी का बुद्ध के समय से लेके और यहाँ तक आते आते गाली में या मान में या सम्मान में या फायदे में या नुकसान में बदल गया। दरअसल आप कितने भी पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जाति जो आज के समय भारत में चलती है, बनी है या बनाई है, उसका कहीं भी कोई लिखित में साहित्य या प्रमाण या कहीं कोई कथा के अंदर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये जाति इससे छोटी है, ये जाति इससे बड़ी है, इस जाति में अवगुण हैं, इस जाति में गुण हैं। जो आज के समय किसी जाति के नाम से जो गुण या अवगुण चलते हैं, वह भी आपको कहीं लिखे हुए मिलेंगे नहीं। कोई सिद्धांत, कोई फिनोमिना, कोई फिलॉसफी जाति की दूर दूर तक आपको किसी साहित्य, किसी किताब में कहीं नहीं मिलेगी। आप इसको खूब ढूंढ लीजिए जितना आप ढूंढ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई डॉक्टर अंबेडकर का मानने वाला होगा, अनुयायी होगा, भक्त होगा, तो वो कहेगा एनहिलेशन कास्ट में, या जो रिडल्स है या जो और भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उसमें जाति के बारे में, उसका जिनेसिस, उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति या उसका सिद्धांत, वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। दरअसल जिस भी व्यक्ति ने भारत में जाति के ऊपर शोध किया है या रिसर्च की है या खोज की है, उसने जाति के परिणाम, जाति के गुण, जाति के अवगुण, इसके बारे में कहा है ठोस रूप से, क्योंकि ये दिखाई देता है। मगर पहली जाति कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, जातियाँ कैसे आरंभ हुईं, कैसे जातियाँ बट गईं, और कैसे आज के समय बड़े जोर जोर से लोग कहते हैं कि 6,743 जातियाँ हैं, क्योंकि अगर 6,743 जातियाँ आज के समय भारत में हैं तो कहीं पहली जाति बनी होगी। अगर सारी चीज़ें आपको लिखित में, कहानियों में, किस्सों में, कथाओं में मिलती हैं, तो पहली जाति, दूसरी जाति, तीसरी जाति नहीं मिलती। उससे भी बड़ा आश्चर्य और कमाल की बात यह है कि दुनिया के सारे पत्रकार, सारे टीवी एंकर, सारे विवेचना करने वाले, सारे एनालिसिस करने वाले जाति पे बहस नहीं करते, जाति की बात नहीं करते। और उससे भी एक बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको जाति के नाम पे धकियाता है, जाति के नाम पे आपको रियाता है, जाति के नाम पे आपको गाली गलौज करता है, वो खुद भी अपने नाम के पीछे अपने साथ एक जाति लेके घूम रहा है। वो जाति ना छोड़ रहा है, ना तोड़ रहा है,
मगर वो चाहता है कि कोई जाति की बात ना करे। अगर कोई जाति की बात करता है तो उसको जातिवादी कह के डिमोलाइज करने की कोशिश किया जाती है ताकि वो जाति की बात करना बंद कर दे। क्योंकि अगर आप जाति की बात करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सारी की सारी जाति हवा में है, कहीं कोई लिखित में नहीं है, कहीं कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं कोई हेयरार्की नहीं है, यानी ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये जाति इससे छोटी होगी या ये जाति इससे बड़ी होगी। ये सारा मामला एक रहस्यमय है और जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो जाति से पीड़ित हैं या जाति के नाम पर पीड़ित करने वाले लोग हैं, वो जाति के परिणाम पे बात करते हैं, जाति की उत्पत्ति पे, जाति की ओरिजिनल पे, पहली जाति, दूसरी जाति, तीसरी जाति कब, कैसे, किसने, क्यों, कहाँ बनी या बनाई, इस पे कोई बात करता हुआ मिलेगा नहीं। क्योंकि जाति से कुछ लोगों को फायदा है तो वो बात क्यों करेंगे, और जिन लोगों को नुकसान है वो डरे बैठे हैं कि कहीं किसी को पता चल गया कि हम इस छोटी जाति के हैं तो अवगुण उसमें दिया हुआ है तो हमारी बात खराब हो जाएगी। इसलिए ये एक रहस्यमय फिनोमिना है। इसके रहस्य को अगर आपने चेक करना हो, इसके रहस्य के अगर आपने द्वार खोलने हो, अगर इसकी सीक्रेसी आपने तोड़नी हो, तो इस पर बात करके पूछना शुरू कीजिए अपने आसपास कि तेरी जो ये जाति है ये कहाँ से लेके आया, कब लेके आया, क्यों लेके आया, क्यों लेके इसको घूम रहा है। आज जो जाति के पीछे नाम है वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। किसी की तीसरी पीढ़ी अगर आप चेक करेंगे तो उसके पीछे जो आज जाति के नाम की पूंछ है वो पूंछ लिखित में नहीं मिलेगी। किसी पुरानी किताब में जाएंगे, किसी जो काल्पनिक किताब है, पुराण है, या कोई ऐसी किताबें जिनमें कहीं कोई ऐतिहासिक बात नहीं होती है, या इतिहास की किताबों में भी जाएंगे तो आपको जाति के नाम की जो आज भारत में पूंछ चलती है जगह जगह, ऐसी नहीं मिलेगी, वो नाम ही नहीं मिलेंगे। तो रहस्य और भी गहरा जाता है। क्या अभी की पैदाइश तो नहीं है, 100-200 साल की, 300 साल की? इसलिए इस पे बात कीजिए, इस पे विचार कीजिए, और अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स इस वीडियो के नीचे जरूर डालिए, जो भी आपके मन में आता है। चाहे आपको जाति फायदा पहुंचाती है तब भी, चाहे जाति आपको नुकसान पहुंचाती है तब भी, क्योंकि जाति अल्टीमेटली देश को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए देश को बचाना है तो जाति को नहीं बचाना है। अगर जाति को बचाते रहेंगे तो देश नहीं बचेगा। दोनों में से एक चीज बचेगी, या तो जाति बचेगी या देश बचेगा। देश मरेगा तो जाति जिंदा रहेगी, जाति मरेगी तो देश जिंदा रहेगा। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam.
शरणं गच्छामि दुःखियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि दुःखियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि दुःखियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि दुःखियम्पि संघं शरणं गच्छामि दुःखियम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संगं शरणं गच्छामि साधु 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 कामेश मिच्छतार विर्मनि सिक्खापदं स्मादियामि कामेश मिच्छतार विर्मनि सिक्खापदं स्मादियामि कामेश मिच्छतार विर्मनि